क्वारंटाइन सेंटर में अपर्याप्त सुविधा के आरोप लगाते हुए कुछ प्रवासी मजदूर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। यह घटना कालिया चौक 2 नंबर प्रखंड के रतबारी ग्राम पंचायत इलाके में घटी है। पता चला है कि इन मजदूरों को पिछले 3-4 दिनों से स्थानीय एक मदरसे में रखा जा रहा था। हालांकि वह इनके लिए उपयुक्त सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई थी। उनके कोरोना वायरस टेस्ट के लिए भी सैंपल लिए गए, वही खाने पीने में भी तकलीफ हो रही है। इस तरह के आरोप लगाते हुए मजदूरों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वही घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझा कर वापस लौटाया। आपको बता दें कि क्वारंटाइन सेंटर में अपर्याप्त सुविधा के आरोप लगाते हुए कुछ प्रवासी मजदूर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 4 दिनों तक वो क्वारंटाइन सेंटर में थे, लेकिन उनका ना स्वैब टेस्ट हुआ है ना ही स्वास्थ्य जांच की गई है। इसी का ही विरोध वो सड़क पर उतरकर कर रहे हैं। आप उसी का ही दृश्य देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं बांस के बैरिकेड लगाकर वो बीच में बैठ के ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, जो प्रवासी मजदूर है उनका क्या कहना है इस विषय पर। जो बाहर से प्रवासी मजदूर लौटे थे जिनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, वो क्या कहना चाहते हैं आइए सुनते हैं उनकी क्या मांग है। দেখে না মেম্বার আছে না পুলিশ প্রশাসন থেকেও কোনো হেল্প আছে না আমাদের জন্য, মেডিকেল ট্রিটমেন্টের কোনো খবর নেই। এখানে 3 দিন থেকে লোক আছে, 4 দিন থেকে লোক আছে, তাদের কোনো টেস্ট করা হয়নি। অথচ আমাদের মানে এখানে পায়খানা টাইখানা কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই, ভালো পরিষ্কার জল খেতে পাই না আমরা। বাড়ি থেকে খাওয়ার মহিলা নিয়ে আসছে, কারো বাবা নিয়ে আসছে, ওরা তো ভালো আছে, ওরা কেন এখানে আসবে? আমাদের আগে টেস্ট করা হোক যে আমরা পজিটিভ। একজন বড় লোকের ছেলে ছিল এখানে, ওই বাইরে চাকরি করে, ওর মাত্র 3 দিন হলো এখানে আসা। ওই কি করলো না করলো, কি জাদু যে করলো, ওকে ছেড়ে দেওয়া হলো। অথচ আমরা 4 দিন থেকে আছি এখানে, আমাদের কোনো ট্রিটমেন্ট হয়নি। আমরা এটা কথা প্রশাসনকে বলতে চাই, তাই জন্য আজকে এই পথটা ঘেরা।